एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ बैठ के, शाम हो रही है, शाम की बज रहे हैं 6। और आज मैंने बनाए थे छोले, तो एक कढ़ाई निकाली थी जो कि 13 साल पुरानी थी, और वो मतलब मम्मी ने शादी में दी थी, स्टील की कढ़ाई थी, तो उसको मैंने रख दिया था संभाल के। मैं भूल गई थी कि किस रीजन से मैंने उसको संभाल के रखा हुआ था, कि मतलब ऐसे ही छोड़ा हुआ था। तो बस मेरे हस्बैंड ने, मैं तो सामान को भूल जाती हूँ रख के, और मेरे हस्बैंड को बहुत याद रहता है, तो फिर ऐसे मैं कढ़ाई वाली बात कर रही थी कि मैं सोच रही हूँ एक स्टील की कढ़ाई भी ले लूँ। नॉनस्टिक जो कढ़ाई है वो काफी दिन से मैं यूज भी कर रही हूँ, ज्यादा नॉनस्टिक यूज नहीं करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड को फटाफट याद आया, वो कढ़ाई निकाल के ले आए, फिर मैंने आज उसमें छोले बनाए। और छोले क्या हुए, वो फटाफट, वैसे तो मैंने बिल्कुल सिम गैस पे रखा हुआ था, लेकिन बार बार जो क्या होता था वो कढ़ाई जल जाए, और मुझे बहुत परेशानी हुई। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने इस कढ़ाई को उठा के इसीलिए रखा हुआ था क्योंकि ये बार बार जल जाती थी। तो बस वही है, अब छोले तो बनाए, वैसे तो अच्छे बने, लेकिन आज मुझे बहुत दिक्कत हुई उसके जलने के कारण। और बस अभी ये वीडियो एडिट करूंगी, और ये वाला जो वीडियो है ये भी एडिट करूंगी, और फिर आपके साथ आगे बातें जो हैं, जैसे जैसे ब्लॉग चलता रहेगा वो करती रहूंगी। सुबह से शाम हो जाती है ब्लॉग्स बनाते बनाते, डेली ब्लॉग बनाना ना बहुत मुश्किल लगता है। लगता है सबको लगता होगा कि हम लोग हाउस वाइफ हैं और कोई ज्यादा काम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल फुल टाइम जॉब है जिसमें तुम्हें हर वक्त सोचना पड़ता है तुम आप लोगों से क्या बात करें, और फिर कुकिंग भी होती है, बाद में एडिटिंग भी होती है, चलता रहता है छोटा 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 छोटा। बस हम घर पे रहते हैं लेकिन दिमाग हमारा ना सारा दिन यूट्यूब के चक्कर में ही लगा रहता है। तो बस अभी जल्दी से एडिट करती हूँ, काम को खत्म करती हूँ, और फिर मैं तविशी को साइकिल चलाने भी जाना है, तो उसके साथ फिर मैं जाऊंगी। वो मुझे बहुत देर से बोल रहे हैं मम्मा जल्दी जल्दी चलो, तो बस फटाफट एडिटिंग खत्म करके बस फिर मैं निकलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो छोले हैं वो 6-7 घंटे पहले पानी में भिगो के रखे हुए थे, फिर इनको प्रेशर कुकर में नमक डाल के थोड़ा पानी डाल के बॉईल करने रखा हुआ था। एक पोटली में मैंने डाली है 1 चम्मच चाय पत्ती, और एक पोटली में डाला है 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 लौंग और 2 बड़ी इलायची। तो आप देख सकते हैं इससे जो चाय पत्ती से कलर अच्छा आ गया है। और यह है वो स्टील की कढ़ाई जिसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, और इसमें डाला है मैंने राइस ब्रैन ऑयल। अभी देखना ये मुझे कितना दुखी करने वाली है कढ़ाई। और झट से इसमें तेल गरम हो गया था क्योंकि इसका ये जो नीचे वाला सरफेस है ना ये बहुत ही पतला है। और अब ये तेल गरम हो चुका है, मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ प्याज जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, एक बड़ा प्याज है ये, और इसको जब तक भूनूंगी जब तक ये ब्राउन सा नहीं हो जाता, अच्छा सा भूनना है इसको, अच्छा सा कलर आए। ताकि ये रेसिपी मैं वैसे पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन चलिए बना रही थी तो सोचा एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ। और प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया था तो फिर मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के लगभग वो इसमें ऐड कर दिया। अभी इसे अच्छे से भूनूंगी, तो वो भी भून गया है, गार्लिक और जिंजर जो है उसका पेस्ट वो भी अच्छे से भून चुका है। और यहाँ मैंने डाला है चना मसाला, आप देख सकते हैं साइड से कढ़ाई ने जलना शुरू कर दिया है। और डाला है मैंने इसमें अनारदाना पाउडर, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी मैं ऐड करती रही, नहीं तो जलने की स्मेल आना शुरू हो जाती। और बस फिर मैंने पानी ऐड किया और फिर इसको मसाले को अच्छे से पकाया, जबकि गैस मेरी बिल्कुल सिम है फिर भी इतनी जल्दी जल्दी ये कढ़ाई जल रही थी। और इसमें डाला है जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और हींग भी डाला है मैंने इसमें थोड़ा सा। बस इसे अच्छे से भूनना है, और इसके अंदर अब मैंने जो 4-5 टमाटर थे जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया था वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। और बस इसे लगातार चलाती जाऊंगी और तब तक भूनूंगी जब तक कि इन टमाटरों का जो पानी अच्छे से सूख नहीं जाता है। और इसके अंदर डाली है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, और मैंने जब टमाटर ग्राइंड किए थे तो उसमें 2 हरी मिर्चें भी ग्राइंड कर ली थी साथ के साथ ही। तो बस इसे मैंने भूनने के लिए ऐसे रखा हुआ है, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है काला मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, हमेशा मेरे मुंह से काला मिर्च का पाउडर निकलता है। और इसे थोड़ी देर चलाऊंगी और बस तब तक भूनना है जब तक ये पानी जो है ना अच्छे से सूख नहीं जाता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी जो है मसाले का अच्छे से सूख गया है। इसके अंदर मैंने डाले हैं छोले, और साइड में जो है मैंने कसूरी मेथी है वो तवे पर भूनने के लिए रखी हुई है, वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इसमें इससे। तो जो कसूरी मेथी है मैंने इसमें डाल दी है,
और अब अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ। नमक मैंने इसमें पहले डाल दिया था तो ज़रूरत नहीं है अब नमक डालने की बिल्कुल भी, बॉईल करते वक्त ही मैंने नमक ऐड कर दिया था इसके अंदर। अब ये जो कढ़ाई है इसका जो सारे छोले हैं मैं प्रेशर कुकर के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी और फिर से एक सीटी लगा दूँगी। इससे बहुत ही अच्छा जो टेस्ट होता है छोलों का वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, थोड़े और सॉफ्ट से हो जाएंगे छोले। तो बस अब प्रेशर कुकर को ढकूंगी और फिर जब इसमें एक सीटी आ जाएगी ना फिर इसको बंद कर दूंगी। और आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आया एकदम, चाय पत्ती की वजह से ना कलर बहुत ही सुंदर आ जाता है छोलों का, एकदम तीखे चटपटे से छोले मैंने बनाए हैं। तो बस एक सीटी आ गई थी और आप देख सकते हैं जब मैंने प्रेशर कुकर खोला तो छोले इस तरीके से बनकर तैयार हुए हैं और ये तीखे मैंने बनाए हैं। वैसे तवीशी बहुत नखरे करती है लेकिन ये वाली चीज़ वो बहुत शौक से खा लेगी। और बस फिर मैंने यहाँ पर एक बाउल के अंदर छोले निकाले हैं और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नींबू पानी, थोड़ा सा खट्टा इसको करने के लिए, और थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला, अच्छे से मिक्स करूँगी इसको भी मैं, और थोड़ा सा इसमें प्याज है जो मैंने चॉप किया हुआ था वो डालूँगी। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, मेरे टमाटर ख़त्म हो गए थे इसलिए मैंने नहीं डाला, और थोड़े से आलू था जो आलू के टुकड़े थे जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसको हम लोग खाएंगे कुलचे के साथ, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, आप भी ट्राई कीजिएगा। और अब लगा रही हूँ नेल पेंट, तो मेरा जो नेल पेंट रिमूवर है ना वो भी ख़त्म हो रहा है, बस आखिरी सांसें ले रहा है, एक बारी का और रह गया है ये, फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको दिखाती हूँ कौन से वाले, वैसे तो मैं आपने ज्यादातर देखा ही होगा, मैं लगाती ही हूँ उसको ब्लॉग्स में, कई बार देखा, आप कई बार क्वेश्चन भी करते हैं, तो इस बार सोचा लगा रही हूँ तो आपको बता भी दूंगी साथ के साथ ही लगाते हुए कि मैं कौन सा लगा रही हूँ। एक बार ये नेल पेंट रिमूवर हटा लूँ फिर बात करती हूँ। तो एक तो ये है स्विस ब्यूटी का ये वाला कलर, इसका शेड नंबर है 20, और दूसरा है ये चैम्बोर, CHAMBOR, इसका है प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आ रही है, स्पेलिंग बता दी मैंने, 01 इसका शेड है। तो ये दोनों लगाने वाली हूँ। फिलहाल कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि पहले मैं बैठ के किया करती थी तो फिर काफी लोग बोलते थे कि आप लोगों के पास टेबल नहीं है क्या और आप टेबल पे किया करो। टेबल तो है लेकिन बस वो ये कि आलस आ जाता है ना कभी कभी, फिर मन करता है कि नहीं बैठ के ही करते हैं, लेकिन चलो आज मैं टेबल पर ही कर लेती हूँ। थोड़े से कपड़े हैं, वैसे तो हम लोग प्रेस वाले को दे देते हैं अगर बहुत ज्यादा कपड़े होते हैं, लेकिन फिलहाल कपड़े थोड़े से हैं तो मेरे ही हैं, और तभी के स्कूल की स्कर्ट है तो वो प्रेस करनी है। और नेल पेंट लगाने के 2-3 मिनट में ही मैं आ गई हूँ और इसकी वजह से नेल पेंट थोड़ा सा खराब भी हो गया मेरा। कभी कभी तो पता है मेरे साथ क्या होता है, मतलब मैं वीडियो बना लूंगी सब कुछ बना लूंगी लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता मैं टाइटल क्या दू, क्या किस टाइटल से, मतलब मैं अपनी बात तो बता रही हूँ आपको और समझा रही हूँ क्या है लेकिन ये नहीं समझ आता टाइटल क्या हो, पूरा दिन सोचती रहती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है सोने से पहले भी टाइटल ही सोचती रहती हूँ कि टाइटल क्या होना चाहिए, क्या सुटेबल टाइटल होना चाहिए अपनी इस बात का, क्या कहूँ क्या बोलूँ, ऐसे चलता रहता है दिमाग में। बहुत सारी बातें सोचती हूँ, आप लोगों से ये बोलूंगी, आप लोगों से वो बोलूंगी, कैमरे के आगे बहुत सारी बातें भूल जाती हूँ, कई बार लिख भी लेती हूँ कई बार नहीं भी लिख पाती हूँ। इतनी अच्छी अच्छी बातें दिमाग में आ रही होती कि आपसे ये बात भी शेयर करनी है, आपसे ये भी कहना है, आपसे वो भी कहना है, और जब कहने का नंबर आता है तो सब गायब हो जाता है दिमाग से मेरे। मुझे वाली प्रेस ज्यादा अच्छी लगती है, वो जो प्रेस वालों के पास होती है ना कोयले वाली, उसमें इतना वेट होता है, वो एक ही बारी में रखते हैं और एक ही बारी में उनके कपड़े इतने अच्छे से प्रेस हो जाते हैं, हम लगे रहते हैं कि घंटे तक रगड़ने ऐसे 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 करने, और वो जैसे ही एक प्रेस इतनी भारी सी यूं करके रखते हैं और बस उनके कपड़े प्रेस हो जाते हैं। जब ज्यादा लंबा काम होता है तो गाने सुनने चाहिए, अच्छा आइडिया आया, अभी जाती हूँ गाने सुनूंगी और ये काम करूंगी। तो हेडफोन लगा रही हूँ क्योंकि अगर जोर से चलाऊंगी गाने तो कॉपीराइट इश्यू आ जाएगा, लेकिन मैं बता देती हूँ मैं बेख्याली
जो गाना है कौन से फिल्म है ये, कबीर सिंह का, तो वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कबीर सिंह मूवी के गाने बहुत अच्छे अच्छे हैं सारे, तो वो सुन रही हूँ। इसके लिरिक्स अच्छी हैं। आपको बताना आपको कैसे लगते हैं ये गाने। कबीर सिंह के तो सारे गाने अच्छे हैं, और बेख्याली मेरा तो फेवरेट है। अब करना है काम, लेकिन ये हेडफोन लगा के नहीं कर सकती, इसलिए हेडफोन हटाना है। प्रेस करूंगी तो मुश्किल हो जाएगा। चलिए बस अब गाने सुनूंगी, आवाज थोड़ी सी तेज करनी पड़ेगी, हेडफोन के साथ काम नहीं चलेगा। तो यहीं पे करती हूँ ब्लॉग का एंड। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा है और रेसिपी अच्छी लगी है तो उसे लाइक भी जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बस फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।